बदनाम करने वालों को बड़ी सजा। स्पॉट फिक्सिंग केस में क्रिकेटर नासिर जमशेद पर 10 साल की पाबंदी आयद। 10 साल किसी किस्म की क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। पूरी जिंदगी क्रिकेट में कोई ओहदा मिलेगा ना कोचिंग कर सकेंगे। पीसीबी एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल ने फैसला सुना दिया। सीमेंट फैक्ट्री में पानी के गैर कानूनी इस्तेमाल का मामला। पानी की कीमत वसूली के सरकारी नोटिफिकेशन में गड़बड़ पर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और डीजी नैब तलब। नोटिफिकेशन में किसने तब्दीली की वो सामने आए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। 10 लाख रुपए फी क्यूसिक रोजाना की कीमत मुकर्रर की गई, फिर हाथ से महाना कर दिया गया। जस्टिस एजाजुल अहसन। साइलीन की बड़ी तादाद इंसाफ के हसूल के लिए सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर जमा। प्ले कार्ड और बैनर्स पर मुतालबा दर्ज। चीफ जस्टिस से मुलाकात पर इसरार। नलैन पाक की चोरी का मामला। पीर जाफरी भी अदालत के बाहर मौजूद। गोल्ड रोड जीपीओ चौक में रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज की इमारत में आतिशबाजी। छठे फ्लोर पर मौजूद सोसाइटीज का तमाम रिकॉर्ड जल गया। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। रेस्क्यू हुकाम फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियों ने 2 घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। नून लीग के शेर पंजाब में भी ढेर। 10 साल बाद तख्ते लाहौर पर नवाज लीग को शिकस्त। चौधरी परवेज इलाही 201 वोट लेकर पंजाब असेंबली के स्पीकर बन गए। नून लीग के इकबाल गुजर को शिकस्त। पीटीआई के दोस्त मिजारी 187 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर बन गए। नून लीग के वारिस कलू 159 वोट ले सके। हल्फ उठाते ही 12 अरकान की बगावत। लीगी क़यादत को नई टेंशन। हमजा शहबाज का इंक्वायरी का हुक्म। ख्वाजा साद रफी को बाकी अरकान को ढूंढने का मिशन सौंप दिया। इलेक्शन में मुबैना धांधली पर नून लीग का वाइट पेपर शाया करने का ऐलान। हमजा शहबाज कहते हैं स्पीकर के इलेक्शन में हमारे वोट्स पर डाका डाला गया। अगर हॉर्स ट्रेडिंग ना रुकी तो असेंबली को नहीं चलने देंगे। अपना मुकदमा जमहूरी अंदाज में लड़ेंगे। और रायगढ़ में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। जियाबगा में कब्रिस्तान की 5 केनाल अराजी कब्जा माफिया से बागुजार करा ली। डिप्टी कमिश्नर ने इंतजामिया की कार्रवाई को सराहा।